हाय फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये बुक है आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका सिलेबस इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और इसके दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको बुक प्रोवाइड हो जाएंगी। ये इंग्लिश की है और इन्हीं इन्हीं राइटर की, और ट्रांसलेटेड बुक इन हिंदी ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की। और इसके राइटर का नाम है डॉक्टर AB भटनागर और डॉक्टर अनुराग भटनागर, और आर लाल एजुकेशनल पब्लिशर हैं इनके। और ये बुक आपको मार्केट के अंदर हिंदी वर्जन में भी मिल जाएगी। अब आगे देखेंगे हम इसका सिलेबस। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें आपको सारा कंटेंट मैच करना होगा कि किस तरीके से आपका सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ है, और अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप दूसरी बुक में इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको सारा सिलेबस इसके अंदर मिल जाए और एक दो पॉइंट्स ना मिले, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, दूसरी बुक्स में भी आपको मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जिस बुक में आपको मिले आप वही बुक परचेज़ करें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। उसके बाद है ग्लशर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। उसके बाद है आपका सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट है इसके बाद आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे यूनिट सेकेंड में टास्क ऑफ टीचिंग, जिसमें फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड में, इसके अंदर टीचिंग एड्स एंड टीचिंग, जो भी टीचिंग के एड्स हैं और टीचिंग है वो किस तरीके से होती है। इसमें नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेज लाइब्रेटरी, उसके बाद टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद एजर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका यूनिट फोर्थ में, इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग, टास्क एनालिसिस। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिट फिफ्थ के अंदर, इसके अंदर स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, मीनिंग ऑफ टैक्टिक्स। उसके बाद है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, देन आपका लास्ट है इसके अंदर टीम टीचिंग। नेक्स्ट आप यूनिट सेकेंड में देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। इसमें है आपका माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे, सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या होती है और एक्शन रिसर्च क्या होता है इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट जो है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, यानी कि टीचर को किस तरीके से प्रोफेशनली डेवलप किया जाए, उसका विकास किया जाए। तो इसमें है टीचर इवेल्युएशन, टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। लास्ट है आपका इसके अंदर प्रोफेशनल नॉर्म्स एंड एथिक्स। जो भी प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो किस तरीके से टीचर्स को फॉलो करने हैं, तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। तो ये है आपका इसका सिलेबस, और हिंदी में भी आपका यही सिलेबस मिलेगा इस बुक के अंदर, जैसा कि आप दोबारा देख सकते हैं इस चीज़ को और अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये बुक परचेज़ कर सकते हैं और अपना पूरा सिलेबस मैच पहले कर सकते हैं मेरी वीडियो के ज़रिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।